दोस्तों आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि जब हमारी धरती पर ही इतनी सारी सुख सुविधाएं, जीवन पनपने के लिए बेहद खूबसूरत वातावरण, पानी और ऑक्सीजन के साथ साथ प्राकृतिक सोर्स की भरमार है, तो फिर हम इस धरती के बाहर जीवन क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हम इंसानों ने प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की है, लेकिन फिर भी इंसान इतने ज्यादा जिज्ञासु प्राणी है कि वो हमेशा कुछ अलग करने की सोचता है। वो प्रकृति से भी ऊंचा उठने की कोशिश करता है, और इसलिए वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजना शुरू कर दिया है। उन ग्रहों के इतिहास जानने और उनके अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने स्पेस में कई सारे अंतरिक्ष मिशन लॉन्च भी किए हैं, जिनके जरिए उन्होंने हमारे सौर मंडल के कई ग्रहों की जानकारियां जुटाई हैं। आज हम उन्हीं ग्रहों के इतिहास और उन पर जीवन पनपने के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है शनि ग्रह का चांद टाइटन। शनि ग्रह का यह चंद्रमा टाइटन अंतरिक्ष देखने पर काफी हद तक पृथ्वी जैसा ही दिखता है, जहां विशाल नदियां, झीलें, टीले और बारिश से भरे विशाल समुद्र पाए जाते हैं, और साथ ही यहां पृथ्वी जैसा ही घना वातावरण भी पाया जाता है। लेकिन यहां पर जीवन कैसा होगा? क्या इस पर पहले कभी जीवन मौजूद था? साल 1980 में वॉयजर 1 सैटर्न यानी शनि ग्रह के करीब से गुजरा था। इसने हमें शनि ग्रह तथा इसके रिंग सिस्टम की तस्वीरें भेजी, और इसी के साथ भेजी थी शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद की तस्वीर, जिसे टाइटन नाम से जाना जाता है। एक ऐसा चांद जिसके पास एक मोटा वायुमंडल था, एक ऐसा चांद जिसने एक ही बार में वैज्ञानिकों का दिल जीत लिया, और नासा ने ही ये तय किया कि हमें शनि ग्रह के उस चांद पर दोबारा जाना ही चाहिए। लेकिन ये कोई आसान मिशन नहीं था, और इसलिए नासा ESI यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी तथा ASI यानी कि इटालियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर शनि ग्रह पर जाने के मिशन को तय किया। एक ऐसा मिशन जिसमें हम पहली बार शनि ग्रह को ऑर्बिट करने वाले थे, एक मिशन जो करीब 20 साल तक चलने वाला था। इस मिशन में हमने शनि ग्रह को काफी करीब से देखा था, और इस मिशन की सबसे बड़ी बात यह थी कि हम पहली बार किसी अनजान ग्रह के चांद पर लैंड करने वाले थे। इससे पहले भी हमने किसी दूसरे ग्रह पर लैंड किया था, इसलिए ये हमारे लिए इतना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि हम किसी दूसरे ग्रह के चांद पर लैंड करने जा रहे थे। एक ऐसा अनजान उपग्रह जिसके अंदर कुछ भी हो सकता था, जो गहरे बादलों से ढका हुआ था। तो आखिर इस चांद के अंदर क्या था, और ऐसी क्या बात थी जो इस चांद में धरती के बाद जीवन के होने की आशंका जताई जाती है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हमने अपनी पहले की वीडियो में कुछ ऐसे भयानक ग्रहों के बारे में जाना था जो हमारे सौर मंडल के बाहर पाए जाते हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन हम अपने ही सौर मंडल के कुछ ऐसे ग्रहों के बारे में नहीं जानते हैं जिन पर जीवन पनपने की संभावनाएं पाई जाती हैं। टाइटन जो आकार में मरकरी यानी कि बुध ग्रह और प्लूटो से भी बड़ा है, और धरती तथा वीनस के बाद यही हमारे सौर मंडल का एक ऐसा पिंड है जिसके पास ठोस सतह और एक मोटा वायुमंडल है, यानी ये शनि ग्रह के ऑर्बिट में ना होकर सीधे सूरज को चक्कर काटता है, तो ये एक ग्रह कहलाएगा। लेकिन क्योंकि ये एक खास तरह का चांद है, और इसलिए इसका एक खास नाम भी रखा गया है। जुपिटर के मून गैनेमीड के बाद टाइटन ही हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। टाइटन हमारी धरती के चांद के आकार से 50% ज्यादा बड़ा है, जिसकी चौड़ाई 5149 किलोमीटर है, और यह हमारी धरती से 80% से भी ज्यादा है। टाइटन की तस्वीर मिलने के बाद से ही वैज्ञानिक वहां जाने के लिए उत्सुक हुए, और आखिरकार 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किया गया कसिनी हाइगंस स्पेसक्राफ्ट। कसिनी हाइगंस का सफर बेहद लंबा था। इसने ब्रह्मांड में 7 सालों का सफर तय किया था, और 1 जुलाई 2004 को शनि ग्रह के ऑर्बिट में सही सलामत पहुंच गया था। हालांकि शनि ग्रह पर इससे पहले भी 3 स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके थे, जिनके नाम थे पाइनर 11, वॉयजर 1 और वॉयजर 2, जिन्होंने शनि ग्रह के बारे में कुछ जानकारियां जुटाई थी। लेकिन इन तीनों ही मिशन के दौरान तीनों स्पेसक्राफ्ट को शनि ग्रह से फ्लाई बाय किया गया था, क्योंकि इन्हें और भी आगे जाना था। लेकिन कसिनी एकमात्र ऐसा मिशन था जिसके जरिए हम पहली बार शनि ग्रह को ऑर्बिट करने वाले थे। कसिनी ने शनि ग्रह की जिन तस्वीरों को भेजा था उनमें काफी डिटेल फोटोज थी और काफी जानकारियां भी थी, और वैज्ञानिकों ने पहली बार शनि ग्रह को इतनी बारीकी से देखा था। कसिनी इन 7 सालों के सफर में अपने साथ एक मुसाफिर को भी ले गया था, जो शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद यानी टाइटन पर लैंड करने वाला था, और इस लैंडर को हाइगंस के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम एक डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगंस के नाम पर रखा गया था, जिसने साल 1655 में ही शनि ग्रह के इस चांद टाइटन की खोज की थी। लेकिन उस समय ये कोई भी नहीं
जानता था कि टाइटन के पास भी हमारी धरती की तरह एक मोटा वायुमंडल पाया जाता है। दोस्तों, इस वायुमंडल को पहली बार वॉयजर मिशन के द्वारा ही सबसे करीब से देखा गया था, लेकिन वॉयजर स्पेसक्राफ्ट उसके वायुमंडल के अंदर नहीं देख पाया था और वो इस बात को जानने से चूक गया था कि आखिर उसकी सतह पर क्या पाया जाता है। और इसी रहस्य को जानने के लिए कैसिनी हाइगंस को उसके पास भेजा गया था। दरअसल कैसिनी स्पेसक्राफ्ट नासा के द्वारा बनाया गया एक रोबोटिक प्रोब था और उस पर लगा लैंडर ESI यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया गया था। और साल 2004 के अंत तक कैसिनी हाइगंस टाइटन के ऑर्बिट में पहुंच चुका था और 24 दिसंबर 2004 को हाइगंस लैंडर को कैसिनी से डिटैच कर दिया गया था और इसके बाद हाइगंस अपने मिशन पर निकल चुका था। और दूसरी तरफ कैसिनी ने भी उसके ऑर्बिट में पहुंचकर टाइटन की तस्वीरें भेजना शुरू कर दी थी, जिनमें हम केवल टाइटन के धुंधले वायुमंडल को ही देख पा रहे थे। और जब कैसिनी में लगे इसके रडार कैमरा सिस्टम की मदद से हमने इसके निचले वायुमंडल को देखने की कोशिश की तो उसमें हल्के और गहरे रंग के धब्बे पाए गए थे जो दिखने में विशाल समुद्र और महाद्वीप की तरह लग रहे थे। लेकिन जब हाइगंस प्रोब टाइटन के वायुमंडल में दाखिल होता है तो इसने अपने मिशन कंट्रोल सेंटर यानी कि ASI को लगातार इसने तस्वीरें भेजना शुरू कर दी थी। दोस्तों, टाइटन के कम द्रव्यमान के कारण इसकी ग्रेविटी भी काफी कम है और इसी वजह से इसका वायुमंडल काफी ऊंचाई तक फैला हुआ है जो कि इसकी सतह से करीब 975 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके बाद हाइगंस का पैरासूट खुलता है और इसकी रफ्तार और भी धीमी हो जाती है। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे ये नीचे की ओर जाने लगता है टाइटन की तस्वीरें और भी ज्यादा साफ होने लगती हैं, जिसमें हमें छोटे छोटे पर्वत दिखना शुरू हो जाते हैं। और इसने कुछ ऐसी तस्वीरों को भी भेजा था जिनमें नदियों की तरह पैटर्न्स पाए गए थे, धरती के जैसे ही रेगिस्तान और तालाब भी पाए जाते हैं। लेकिन टाइटन की ये रहस्यमय जमीन बर्फीले हाइड्रोकार्बन और पानी से बनी है। यहाँ तक कि टाइटन का ये रेगिस्तान, पहाड़ और चट्टाने सबकी सब पूरी तरह से बर्फ से बनी है, जहाँ पर कोई भी इंसान एक पल के लिए भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन जैसे ही हाइगन प्रोब 2005 में लैंड हुआ था, इसने वहाँ की जमीन पर कुछ देर रुककर लगातार वहाँ की तस्वीरें भेजना शुरू कर दी थी। और आपको बता दें कि मंगल ग्रह के बाद टाइटन ही दूसरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई स्पेसक्राफ्ट लैंड हो पाया था और ये धरती से सबसे ज्यादा दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसानों का कोई प्रोब लैंड हुआ हो। दोस्तों, टाइटन की भयानक दुनिया में भयानक बारिश भी होती है जो कि पानी की नहीं बल्कि मीथेन की होती है। ये एक ऐसी विचित्र दुनिया है जो कि धरती पर मौजूद ईंधन से बनी है क्योंकि हम मीथेन का इस्तेमाल अपने फ्यूल के लिए करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि टाइटन के समुद्र में एक विचित्र प्रकार का जीवन पनप रहा है जिसकी बनावट धरती से बिल्कुल अलग होगी। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर जीवन की संभावनाएं काफी ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन क्या कभी शुक्र ग्रह पर भी जीवन मौजूद था और ये नष्ट कैसे हुआ था? तो इसलिए अब हम चलते हैं शुक्र ग्रह के अतीत में। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह रात के समय इस खूबसूरत से आसमान में चांद के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह धरती के सबसे पास वाला ग्रह है और ये काफी ज्यादा धरती के समान दिखाई देता है। इसी वजह से इसे धरती की ट्विन सिस्टर यानी कि पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुरुआत में ये माना गया था कि यहाँ पर धरती की तरह विशाल महासागर, घने जंगल और विचित्र जीव जंतु पाए जाते थे। लेकिन जब कुछ स्पेस मिशन ने इस ग्रह पर अध्ययन किया था और इससे ये पता चला कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था, लेकिन उसके विपरीत यहाँ पर भयानक ज्वालामुखी विस्फोट, सूखे कंकाल की तरह इसकी सतह और इसका वातावरण सूरज की तरह धधकता रहता है। और इस समय ये ग्रह पूरी तरह से नर्क है जो इसे हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ग्रह इससे पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि यहाँ पर विशाल महासागर, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि यहाँ पर जीवन पनपता था। लेकिन आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने इसकी जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया? और इस ग्रह के रहस्यों के बारे में जानेंगे कि आखिर शुक्र ग्रह का जन्म कैसे हुआ था और कैसे स्पेस मिशन के खुलासों ने वैज्ञानिकों की सोच को बदल कर रख दिया। और आज से करोड़ों साल पहले ऐसी क्या घटना घटी होगी जिसने इस ग्रह के जीवन को पूरी तरह से ही तबाह कर दिया? और क्या कभी भविष्य में हमारी धरती का हाल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? वैसे तो सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह यानी कि बुध ग्रह को सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए, लेकिन ये सूरज से दूसरे नंबर पर आने के बावजूद भी हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। और रात के आसमान में चांद के बाद इसकी चमक सबसे ज्यादा होती है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है क्योंकि दोनों ही ग्रहों का शेप, मास और डेंसिटी लगभग बराबर है और ये दोनों ही सूरज के चारों ओर समान कक्षा में घूमते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि दोनों का ही जन्म एक ही नेबुला और एक ही कंपोजिशन से हुआ है। दोनों में इतनी सारी समानताएं होने के बाद वैज्ञानिकों ने यह माना था कि शुक्र पर जीवन जरूर पनपता होगा।
लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की तो अंतरिक्ष अभियानों के जरिए इस ग्रह का ठीक से जायजा किया गया तो पता चला, भले ही दोनों ही ग्रहों का जन्म एक ही समान हुआ हो, लेकिन अब ये एक दूसरे के विपरीत है, या फिर कहा जाए कि इन दोनों ही ग्रहों में समानताएं कम है और विषमताएं ज्यादा है, क्योंकि हमारे सौर मंडल में सारे ग्रहों की घूमने की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है, जबकि शुक्र ग्रह की घूमने की दिशा इससे उल्टी यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर होती है। इस ग्रह की ये हालत आज से अरबों साल पहले किसी उल्का पिंड के टकराने से हुई थी और तब से लेकर आज तक ये उल्टा ही घूमता है। इसी के साथ ही हमारी धरती पर एक चंद्रमा है, जबकि वीनस का कोई भी उपग्रह या फिर चांद नहीं पाया जाता। और बाद में ये पता चला कि शुक्र पर जीवन की संभावनाएं काफी कम है या फिर नामुमकिन है। इसकी सतह पर सबसे ज्यादा ठोस चट्टानें पाई जाती हैं, जिस पर 1000 से भी ज्यादा विशाल ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिनकी चौड़ाई लगभग 20 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इनमें से कुछ अभी भी एक्टिव हैं। शुक्र ग्रह का वायुमंडल पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देता है, और इसी वजह से यहाँ पर आने वाली सूरज की किरणें यहीं ठहर जाती हैं और इसकी सतह से बाहर नहीं जा पाती, जो इसे हमारे सौर मंडल का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह बनाता है, और इसका तापमान 464 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और इसकी सतह पर हमेशा दर्दनाक सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है। एक ओर जहां शुक्र सूखा और ददकता हुआ नर्क के समान है, वहीं दूसरी ओर धरती नम, खूबसूरत और जीवन से भरपूर है। पहले वैज्ञानिकों को लगा कि इस पर जरूर जीवन होगा और वो आज भी वहां कहीं ना कहीं जरूर होगा, और कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते थे कि हो सकता है कि ये जीवन शुक्र ग्रह की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए बादलों में हो, जहां पर तापमान और दबाव एक समान हो। और जब 1978 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा की ओर से पायनियर वीनस मिशन शुक्र पर पहुंचा, तो उसने देखा कि शुक्र की सतह पर महासागर मौजूद हो सकते हैं। और इसी के साथ ही जब नासा की ओर से और भी कई मिशन भेजे गए, जिसके जरिए इसकी सतह और कई सारे रहस्यों से पर्दाफाश हुआ, और इससे शुक्र ग्रह की कुछ ऐसी भयानक तस्वीरों को देखा गया, इससे ये ज्ञात हुआ कि भले ही शुक्र और पृथ्वी में कुछ समानताएं हैं और इस पर जीवन पनपने की परिस्थितियां क्यों ना रही हों, लेकिन बाद में ये पूरी तरह से नर्क में तब्दील हो गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारे सौर मंडल की कुछ ऐसी जगह है जहां पर वैज्ञानिकों ने जीवन ढूंढने की कोशिश की। लेकिन आखिर हमारे चांद पर ऐसा क्या है जिसे वैज्ञानिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जानने के लिए आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं, और ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस को देखने के लिए कीमती स्पेस